टूटीकंडी बालिका आश्रम के अधिकारियों और पंचकुला स्टेट क्राइम ब्रांच के एएसआई राजेश के अथक प्रयासों ने पानीपत के एक परिवार को करीब 11 साल पहले बिछड़े कलेजे के टुकड़े से मिला दिया। अपनी लाडली को सही सलामत पाकर बच्ची के माता पिता अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर पाए। वहीं बच्ची भी शिमला के अपने साथियों को अलविदा कहकर अपने गाँव सताना के लिए खुशी खुशी अलविदा हो गई। हरियाणा की पंचकुला क्राइम ब्रांच ने शिमला के टूटीकंडी स्थित बालिका आश्रम से करीब 11 साल पहले पानीपत से गुम हुई एक मासूम गुड़िया को ढूंढने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। शिमला के दुर्गापुर और टूटीकंडी बालिका आश्रमों में करीब 11 साल से रह रही इस मासूम को हरियाणा क्राइम ब्रांच की टीम ने ढूंढ निकाला और उसके परिजनों को सौंपने का बेहद नेक काम किया है। 11 साल पहले ये बच्ची अपनी बहन के साथ घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में बिछड़ जाने से ये बच्ची घर नहीं पहुंच पाई और करीब 11 साल अपने परिजनों से दूर शिमला के बालिका आश्रमों में रह रही थी। ये बच्ची कैसे शिमला पहुंची और कैसे बालिका आश्रम पहुंची, इसकी सही सही जानकारी तो बच्ची को भी नहीं है, लेकिन उसकी धुंधली यादों में यह जरूर है कि उसे आश्रम तक पुलिस ने छोड़ा था। पंचकुला क्राइम ब्रांच ने इस बच्ची को ढूंढ निकालने में एड़ी चोटी का जोर लगाया और आखिरकार ये बच्ची लाख मुद्दतों के बाद अपने परिजनों को मिल गई। शिमला के टूटीकंडी बालिका आश्रम ने पंचकुला क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। क्राइम ब्रांच पंचकुला के एएसआई राजेश ने बताया कि हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जगह जगह हरियाणा में इस बच्ची की लोकेशन ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार पानीपत में गुमशुदगी की रिपोर्ट को आधार बनाकर इसकी जाँच शुरू की गई। पंचकुला क्राइम ब्रांच के एएसआई राजेश और हेड कांस्टेबल करमचंद बच्ची के माता पिता को साथ लेकर शिमला पहुंचे। लड़की की पहचान की गई, माता पिता ने बच्ची को और बच्ची ने अपने माता पिता को पहचान लिया। मेरे को 19 तारीख को फोन आया था कि भई एक आपके हरियाणा की एक लड़की है और वो हमारे सेंटर होम में रह रही है 11 साल से, तो आप एक बार काउंसलिंग कर लो उस बच्ची से जो कि उसके परिवार तक पहुँचाया जाए। तो मैं बच्ची से काउंसलिंग करा तो बच्ची ने मेरे को ये बताया कि भई मेरे को अम्बाला और पंचकुला के बारे में पता है कि वहाँ की हो सकती हूँ और मेरे फादर है वो दरी का काम करते हैं और मेरे को इतना कुछ पता नहीं है इसके बारे में कि मैं कहाँ की हूँ और मेरे अपने पापा का नाम पता है, अपना नाम पता है, मेरी बहन का नाम पता है। फिर उसके हिसाब से सर अम्बाला में संपर्क किया, वहाँ से कोई पता लगा, फिर आई डी ए में सर हमने पानीपत पता किया मैंने, तो पानीपत से आखिरी में जाके ही सुराग लग गया कि भाई 2007 में यहाँ से पूजा नाम से लड़की मिसिंग है जो मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में वहाँ पे रपट दर्ज थी। तो वहाँ से वेरीफाई करने के बाद बच्ची के जो पेरेंट्स हैं उनको ढूंढ निकाला, निकालने के बाद आज हम यहाँ बच्ची के पेरेंट्स को लेके आ रहे हैं कि बच्ची ने है अपने पेरेंट्स को भी पहचाना है और उसके माता पिता ने भी अपनी बच्ची को पहचाना है। तो आज अब ये यहाँ पे प्लस वन में पढ़ रही थी, अब आगे अपने साथ ले जाएंगे, आगे की स्टडी वहाँ पे अपने गांव में की जाएगी। टूटीकंडी बालिकाश्रम में औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद बच्ची का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर परिजनों के साथ भेज दिया गया। अब परिजन बेटी को हरियाणा के पानीपत में अपने गाँव सताना लेकर गए और बाकी की शिक्षा वहीं जारी रखेंगे। अपने कलेजे के टुकड़े को सही सलामत पाकर बच्ची के माँ बाप खुशी के मारे निशब्द हो गए। उन्होंने शिमला बालिका आश्रम और पंचकुला क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम का आभार जताया। दादाजी बहुत खुश है हमारी बेटी मिल गई और इससे आगे तो बस सब दिन ही है मेरे पास, तो कहना मैं तो इनका बहुत एहसान मंद हूँ, आभारी रहूँगा जिन पर जो है ये राजेश जी ने हमारी बहुत बहुत हेल्प करी, इनका तो मैं बहुत आभारी रहूँगा सर। और इससे आगे क्या कहूँ मैं। 4.5 साल की बेटी आज 15 साल की होगी, आपको कैसा लगता है उसको देख के मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, मिल गई और सुरक्षित मिली यहाँ पर, इनका भी मैं तो ये आश्रम का भी बहुत आभारी शुक्रगुजार हूं, इन्होंने मेरी बच्ची सेफ दे दिया मेरे को। मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है जी, अब तो खुशी है, दुखी तो पहले थे जी, अब तो खुशी है हमारी बेटी मिल गई। वहीं बच्ची भी अपने माता पिता को पाकर बेहद खुश है और समझ नहीं पा रही कि अपनी खुशी का इजहार कैसे करें। पुलिस वाले लाए थे सर मेरे को इधर कल का सर, इससे पहले मैं दुर्गापुर आश्रम में थी, वहाँ पे पुलिस वाले लाए थे जी मुझे, मैं उनको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे फैमिली वालों को ढूंढा है। तो आप आज कितनी खुश है बता नहीं सकते सर। दुर्गापुर बालिकाश्रम और टूटीकंडी बालिकाश्रम जिस तरह से छोटी छोटी मासूम बच्चियों को परिवार की तरह महफूज रखते हैं वो सचमुच काबिले तारीफ है और बच्चों को उनके अपने परिवार से मिलाने के लिए जो प्रयास आश्रम के अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं उसने हिमाचल के देवभूमि होने की सार्थकता को भी सही साबित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला।